नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम किसान भाई के साथ आए यहाँ पे। तो इनका नाम जो है अभी गंगे था, सतीश गंगे। तो इनका प्लॉट अभी आए प्याज जो कहती है ना, तो ऐसा रहता है कुछ। अगर आपको इस यहाँ से भी निकाल ही देता मगर नहीं, उनका नुकसान भी हो जाएगा। देखिए ऐसे कुछ रहता है छोटा वाला, और जूम करके दिखा तो आपको ऐसा वाला। तो चलो टमाटर की भी खेती लगे आप देख लेते हैं यहाँ पे। अब आप बोलोगे टमाटर कैसे होता है, तो कुछ ऐसा सपोर्ट देना पड़ता है उन्हें। देखिएगा ऐसे थोड़ा जूम कर, जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। काफ़ी अच्छी तरह से की हुई, साइड से भी इन्होंने लाइम के जो क्रॉप्स थे वो भी लगा चुके हैं। तो ऐसा कुछ ऊपर सपोर्ट देता, बाम्बू जो रहते हैं ना हमारे, तो इस तरह से। अगर और क्लियर दिखाना चाहो आपको तो थोड़े और नज़दीक जाते हैं, देख सकते हैं। जो येलो ट्रैप देखते हैं, थ्रिप्स और एफिड्स को कैच करने में मदद करते हैं, जो सकिंग पेस्ट होती है ना उसके लिए। काफ़ी अच्छा है अभी प्रोटीन का। और जो हमें वाइट गोल्ड जो दिखा रहा था मैं यहाँ पे, देखिए ये वाला वाइट गोल्ड है। तो भाई इस तरह से कुछ मैंने अभी जस्ट देखा था, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से वो हम जरूरत से डैमेज कर दी थी इसको, देख सकते हैं आप यहाँ पर कैसे डैमेज किया हुआ है, पूरा खा ही लिया है, देख सकते हैं। कुछ भी बचा नहीं यार। भाई साहब बैंगन की खेती में यहाँ पे अभी मिक्स फार्मिंग की जा रही है, तो अच्छा है ये भी। मेटेलिक तो साउंड आ रहा है इसमें से, कोई बता सकेगा कमेंट बॉक्स में क्या है? तो ये तरबूज है, वाटरमेलन। साथ में कुछ पेस्टिसाइड्स जो क्लस्टर बीन होती है ना आप जो लेते हो अपने डाइट में, तो वो भी कुछ टॉनिक्स है साइज़ बढ़ाने के लिए। डेलीगेट जो रहता है वो वर्म लगते हैं ना, जो पूरी तरह से फसल को ख़राब कर सकते हैं। तो ये जो बैंगन की है, बैंगन की खेती, रुके उसका फ्लावर भी दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा मार्जिन रहता है अगर 40 का रेट मिल जाए तो। ये देखिएगा फ्लावर, फ्लावर की बात नहीं, उसके बाद ही उसको बैंगन आते। चलो फिर अब अगले प्लॉट पे चलते हैं। तो इस तरह से स्प्रे रहता है कुछ, ड्रिप है। इस स्प्रे में पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं और स्प्रे करना पड़ता है। देखिएगा भाई की इतनी सारी खेती है, और जूमिंग करके भी दिखा देता हूँ। आ जाओ सारे सब खाना खाने, कुछ जॉब पे माहौल विजिट ही चल रहे थे, सोचा क्यों ना वीडियो भी बना दिया जाए। ये मत सोचना कि नीम के पेड़ अभी है, ये आम के पेड़ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।